बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी होम मेड क्रीम। गर्मियों के लिए स्पेशली बनाई गई है, जो गर्मियों में क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो हाथ पैर जो है बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और वो एड़ियाँ जो हैं वो फट जाती हैं। बाद लोगों के हाथ भी जो है वो सेंसिटिव होते हैं, तो वो ड्राइनेस की वजह से फट जाते हैं ये बार बार पसीना आने की वजह से। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही सस्ती, आसान और बहुत ही क्या कहते हैं मौसर किस्म की जो है वो होम रेमेडी बता रही हूँ कि आपने कैसे क्रीम जो है वो घर में बनानी है। तो उसके लिए हमें जिस चीज़ की जरूरत होगी, सबसे पहले आपने लेना है वाइट लक्स, सफ़ेद जो है लक्स का साबुन वो ले लेना है आपने, और प्योर ग्लिसरीन ले लेनी है आपने, और इस सोप को जो है मेल्ट करने के लिए या उसको वेट करने के लिए आप ये अपने ग्रेडर या कद्दूकश ले लेना है, और एक खाली जार जो है वो ले लेना है जिसमें आपने इसको बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम इसको वेट करते हैं। सोप जो है अपने वो वाइट लक्स ही लेना है, तो इसको आप कर लें आसानी से ऐसे छोटा छोटा। इस सौंफ जो है मैंने इस तरह का ये कद्दूकश कर लिया, आप हम इसको थोड़े से पानी में भिगो देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, तो फिर हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। जी अब हमें इसको 5-10 मिनट के लिए भिगो के छोड़ देना है, तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। इतने 5 मिनट में ये हमारा सॉफ्ट जो है वो इस तरह मेल्ट हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें ग्लिसरीन शामिल करते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपने सोप लिया है उसी तरह से आपने ग्लिसरीन इसमें ऐड करनी है। ये देखें, ये बहुत ही स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाएगा, क्रीमी फॉर्म में ये आ जाएगी आपके पास। और इसकी सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है वो ये है कि ये बिल्कुल भी चिकना नहीं है, वो जो होता है ना इसमें क्रीम्स की तरह ऑयली, ये वो नहीं है। ये देखें सोप की वजह से जिसकी वो जो ये देखें ऐसे क्रीम फॉर्म में ये आ गए, तो आप के लिए बेस्ट है, हाथों के लिए, पाँव के लिए, आप इस बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी, बूढ़े भी, मर्द भी, औरतें भी, लड़के लड़कियां सब इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस टाइम भी आप अपने हाथों पाँव को धोएं तो ये आप एज अ क्रीम, एज अ लोशन आप इसको अपने हाथों पे और पाँव पे यूज़ कर सकते हैं। ये फाइन लाइन्स जो आ जाती हैं हाथों पर उसके लिए बहुत अच्छा है ये। ये देखे इस तरह की ये क्रीमी फॉर्म में आ गया, इस तरह की ये क्रीम बना के आप किसी भी जार में, कंटेनर में अपने पास महफूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, फीडबैक अपना ज़रूर देना है कि ये रेमेडीज़ में आपको मेरी कैसी लग रही हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।